होते थे, अब तो स्वागत के लिए बोर्ड लगाए गए। ये देखो लिखा है एल्गोरिथम 2018। तो अब काफ़ी शानदार टाइप एंट्री का एक गेट बनाया गया है जिसके अंदर चलते हैं और देखते हैं यार। इधर आओ, इधर आओ। इस बोर्ड पे लिखा है बी क्रिएटिव, थिंक बिग, थिंक डिफरेंट एंड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो यही सोच बस हमें अलग टेंजेंट पे ले गई। जो आप यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि किन हालातों में हम पढ़े, तो वो अब आप मैम हमें बताएंगे। हमारे सारे Our friends who are watching me very closely. See, I joined somewhere in 2012, that's September. So for me, when I came here, I mean, I came from a plainer region and I was like, my dad called me up and he said, how's the campus? I said, Papa, party, party. So I was that excited and happy. So I have seen this campus, you know, growing and stuff. And I have seen this campus building, you know, each cement. अभी ये पहाड़ दिखते नहीं क्योंकि अब यहाँ बिल्डिंग्स हैं बहुत सारी, पर पहले यहाँ काफी कुछ बन रहा था। आई फील इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ वेरी ब्यूटीफुल एंड लाइवली प्लेस ओवर द टाइम, इजंट इट? एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। द लेट्स टेक अ लुक अराउंड है ना। दिस इज बिल्डिंग 217। सो वी वर अंडरगोइंग अ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड देयर इज अ वेरी वेरी यूनिक केस दैट हैपेंड इन दिस रूम नॉट ड्यूरिंग इवैल्यूएशन, where a very esteemed professor of our at that time actually said to one of my very good batchmates and colleagues at that time, get this guy. So that was on the stage and there used to be this guy who used to sit here, and we used to sit here and just stare out of the classroom then still trying to figure out what we gonna do in life. उस लोग तो भाई विदेश चक्कर काट रहे हैं, ये उन्हीं विदेश यात्रियों की बात कर रहा हूँ जिनको बहुत जलील किया गया था, और हमें बहुत खुशी है इस बात की उनको बहुत जलील किया गया। ये बस दिखना नहीं चाहिए, ये देखो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का हाल है। जो स्कोर है उनको बकायदा कैलकुलेटर से ऐड किया जा रहा है, ये हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की हालत है। अब आप जो फैकल्टी मेंबर हैं उनकी भी, पर आपने प्रॉब्लम ये करी कि आपने 5 में से 9 मार्क्स दे दिए। दैट वाज, आई वाज सो कंफ्यूज्ड दैट हाउ इज दिस हैपनिंग, दैट वाज माय पॉइंट। दैट्स व्हाई आई वाज सो कंफ्यूज्ड दैट हाउ समवन इज गेटिंग मोर देन 50 देन एडिशन इज हैपनिंग विद कैलकुलेटर्स। दैट इज, अब आप इनसे पूछिए कि जब रिजल्ट के सारे मार्क्स और स्कोर डिक्लेयर हो चुके हैं, मतलब लिखे जा चुके हैं जो भी इसके अंदर है विच वी कैनॉट रिलीव, वो मुझसे क्यों भरवाए जा रहे हैं तुम्हारा, बताइए इसका कारण। मैं बस इनसे इसलिए भरवाना चाहता हूँ कि इनकी हैंड राइटिंग में पेन से आ जाइए, क्योंकि कच्ची पेंसिल से भरे हुए हैं, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट शुड बी इन इंक। तो जो इन्होंने हमें पेंसिल दी थी वो कच्ची थी, तो अब ये पेन पक्का है। मैं चाहता हूँ कि ये हमारा पक्का हो जाए कि बाद में कोई ये ना बोले कि मैंने चेंज कर दिए मार्क्स, कोई चेंज ना कर दे। ये दीज आर ऑल माई बैचमेट ऑफ द ईयर एंड दे आर पर्टिकुलरली गोल्ड मेडलिस्ट एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। बहुत पढ़ाकू किस्म के थे, वैसे अब वो नहीं मानते वो पढ़ाकू किस्म के थे, लेकिन बाई गॉड मैं कहता हूँ अपने टाइम के पढ़ाकू किस्म के थे, बहुत अव्वल नंबर के पढ़ाकू किस्म के थे, एंड इट्स वेरी गुड एंड ऑनर टू यू नो सी देयर नेम्स आर देयर ऑन द बोर्ड। मेरा नाम नहीं है यार, मैं इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था, बट काइंड ऑफ चल गया काम।